दोस्तों एक टाटा एस स्ट्रिंग बॉक्स, उसका जो उसके अंदर जो गियर ऑयल आता है उसको हम लेवल करने वाले हैं। इसके स्ट्रिंग बॉक्स में ऑयल नहीं रहा, उसको हम चेक करके डालेंगे। देखो पलक खोल ली हमने इसका, और अब इसमें ऑयल एकदम नीचे है, तो इसमें 90 नंबर गियर ऑयल लगेगा स्ट्रिंग बॉक्स के अंदर, और हम वो लेवल करेंगे अभी, और हम इसको केबिन में से ही लेवल करेंगे। ये देखिए ये पाइप लगाएंगे हम ऊपर से ही, और इसमें ऑयल डालेंगे स्ट्रिंग बॉक्स के अंदर, टाटा इसके स्ट्रिंग बॉक्स का ऑयल लेवल करने के लिए। क्योंकि स्ट्रिंग बॉक्स का जो प्लग होता है बहुत अड़चन की जगह होता है, जिसको पाना नहीं लगाना आता है, रेडी वाटर के और चेचिस के दोनों के बीच में होता है, इसमें बहुत कम जगह होती है। देखिए हमने पाइप तो लगा दी, और अब हम इसको ऑयल डालेंगे इसमें। देखिए हम इसमें ऑयल पॉप अप कर रहे हैं ऊपर से, और उसको धीरे धीरे ही डालना होता है क्योंकि ऑयल इसमें फुल हो जाता है। थोड़ा देर हो गई तो ज़्यादा ऑयल हो जाता है इसमें, और जबकि इसके अंदर 500 से ऊपर आगे बैठा है, यानी 250 मिलीग्राम से ऊपर बैठा है, और इसके कारण स्ट्रिंग बॉक्स में आवाज़ आ रही थी। ये देखिए ये फुल हो चुका है कि, और ऊपर से आता है, इसके अंदर पूरा आधा लीटर ऑयल बैठता है, और अब हम उसका प्लग लगा देंगे। वो ऑयल लेवल हो चुका है, अरे देखिए हम ऊपर से ही खोलते हैं और ऊपर से ही हम उसको टाइट करते हैं, नीचे से जगह कम होने के कारण 12 नंबर का पट्टी पाना उसमें लगता है पर वो खुलता नहीं। अरे देखिए हमने बॉक्स पाने से उसको खोल दिए थे, और बॉक्स से ही टाइट कर रहे हैं हम, और इसके साथ में इसका ऑयल लेवल हो चुका है स्ट्रिंग बॉक्स का। टाटा इसके स्ट्रिंग बॉक्स का ऑयल लेवल किया है, अभी मैं ऑयल स्ट्रिंग बॉक्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, स्ट्रिंग बॉक्स खोलूंगा तो। ये देखिए इस तरह से हम बिठाते हैं पाना और इसको टाइट कर देंगे। देखिए ये चुका है टाइट। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।